नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं एक दफ्तर यहां पर बना हुआ है और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर है। और बता दें ITI चौक के पास ये निर्मल स्कूल के पास एक खाली एरिया जिसे एक कॉलोनी बनाने का फिलहाल प्रयास जो है वो किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मौके पर जो DTP हैं RS बाट वो पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को पहले डेमोलिश जो है यहाँ पर किया गया है और लगातार जो है ऐसी कार्रवाई को करते हुए अब आज पीले पंजे के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक दफ्तर से सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं दफ्तर से सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और इसे अभी खाली किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मतलब क्यों परेशान करो जी लोगों को, पहले उसने कोई बात नहीं जी, मेरे लिए गरीब बंदा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, परेशान हो रहे हो तो हो गए, नहीं हम भी गरीब और प्रेशर टैक्टिक्स मेरे पर चलना नहीं है, सुन लो मेरी बात। नहीं प्रेशर कोई बात आप नहीं, 3 दिन पहले आए थे यहाँ पे, कोई बात आपने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया था कि मेरे पास फाइल दिखाओ, हम अपने उसमें दिखा रहे हैं। मैंने जो कार्रवाई करनी है किस हिसाब से करनी है, 10 दिन देने या 15 दिन देने दिए होंगे जी, मैं आ गया तोड़ने के लिए, तोड़ दिया, आपकी FIR दर्ज है, मेरा मानना है, मैंने आपको 10 दिन का टाइम देकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान फिलहाल निकाला जा रहा है। सर FIR की बात की, सर FIR क्या दर्ज हुई थी? FIR ऑलरेडी जी इनकी कॉलोनी काटने की, और आगे इन्होंने हो सकता है इन्होंने आगे से किसी से लिया हो, लेकिन लिया है तो भी अवैध कंस्ट्रक्शन तो अवैध है। FIR के बाद भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो फिर FIR और मतलब महकमे का क्या रोल है फिर? FIR दर्ज हो जाएगी, आप बैठो जी सारी कंस्ट्रक्शन कर दो, फिर आप ही लोग मीडिया वाले मेरे से पूछोगे कि जी कैसे कॉलोनी कट गई, कैसे गरीब बंदे ने यहाँ पर मकान बना लिया, तो मैं इनिशियल स्टेज पर कार्रवाई करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी जी। और जो भी कोई देखिए, एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही करनाल में ज्वाइन किया है, अगर कोई भी बंदा इधर उधर के इल्ज़ाम लगाता है तो मैं मानहानि का दावा भी उसके अगेंस्ट अगले 15 दिन में दर्ज करूँगा। सर ये जो जमीन है ना जी, ये TP स्कीम नंबर 36 की है, अप्रूव्ड कॉलोनी है ये, अप्रूव्ड सर, ये आगे नक्शे पास होते हैं, रिश्ते होते हैं, ये थोड़ा एरिया हमने इनके ऑफिस में गए, हमने इनको दिखाया भाई इसके जो है ना इसकी फाइल जो है ना अभी ये रेगुलर होने के लिए यहाँ पर जा रही है, इस अफसर के साइन होने, इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया हमारे को, अब ये थोड़ी सी बिना बताए जो ना नुकसान ही करना जरूरी। कोई जगह बेची आप, थी आपने इनमें से अभी किसी को? नहीं मैंने नहीं बेची इसमें जी, तो ये सारी जगह आप ही ने परचेज की? मैंने नहीं नहीं सारी नहीं, मैंने तो यही लिया जी प्लाट। आपने सिर्फ ये लिया? हाँ यही लिया जी। किन से लिया था आपने? ये नारंग था, राजू नारंग था, उससे ली और अप्रूव करके ली सर प्रॉपर्टी हमने, अनअप्रूव का तो कोई काम ही नहीं है। मदद करेंगे आपकी अगर TP स्कीम में आप अप्रूव करवाना चाह रहे हो, हम आपकी मदद सर, हम कर रहे हैं, अप्रूव हुई नहीं ना अभी, मैंने बताया तो था अभी हुई नहीं, आर्किटेक्ट गया था जी आप, अभी हुई नहीं जी, बताई तो थी, अभी हुई नहीं ना, नहीं अप्रूव पहले से है सर, ये नहीं है सर, पहले से अप्रूव ले आओ, अप्रूवल ले आओ, लोग बैठे हुए हैं यहां पे 70 साल से सर, मैं आपको ये वाली कॉलोनी की बात, हां ये वाली की सर, दिखाओ ना अप्रूवल है क्या, आज इसको सर आज रहने दो, आज रहने दो, अगर अप्रूवल है तो आज क्या जिंदगी भर छोड़ दूंगा, नहीं मैं खाली करके ना आज के आप खाली करवाओ ना, मैं 2 घंटे खाली करके आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 बजे तक यही हूँ, आप खाली करो अपना सामान, जो बचा सकते हो बचाओ, तोड़ो दो मत सर, जब आप यही कह रहे हो कि जी आपने सामान निकालना है फिर हम तोड़ दें, तो भी अगर आपकी अप्रूवल है फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जी सामान निकाल के तोड़ लो, जब आपकी अप्रूवल है टाइम तो जी देखो 2 महीने पहले FIR दर्ज किया, 2 महीने का टाइम मिला ही हुआ, तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं गुप्ता जी इसकी सारी फाइल, ये अप्रूव्ड कॉलोनी है सर TP स्कीम नंबर 36 की, ये जो अशोक का नर्सरी है, वो बता रहे हैं कि अभी अप्रूवल हुआ नहीं है इसका, अभी अप्रूव्ड हुई नहीं। हेलो गुप्ता जी, ये आप जरा बताइयो ये भाई कैसे अप्रूव्ड है जी ये TP स्कीम नंबर 36 में? तो यहाँ पर आपको बता दें फिलहाल सामान जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है और अभी फिलहाल इसे तोड़ा जाना है, आप देख पा रहे हैं और जगह बकायदा इन्होंने भी किसी से खरीदी है और अभी फिलहाल अगर आपने कोई भी गलत फैक्ट बताया तो मैं आपका नाम FIR में दर्ज करवाऊंगा। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कॉलोनी है जो आपने अप्रूवल के लिए डाल रखी है, अप्रूव होगी या नहीं होगी अभी तक अप्रूव्ड है या ना, हाँ या ना में जवाब आना चाहिए जी, नहीं है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी।
सर वो तो ये बात तो सर यहाँ पर फिलहाल जो है उन्होंने यही बताया है कि अप्रूव्ड नहीं है, वो फिलहाल यही सुनना चाह रहे थे अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए पीला पंजा जो है इस समय बिल्कुल तैयार है और इस दफ्तर को गिराया जाना। आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब देखो जी सामान सामान भी निकालने दे रहे जी, हमारा हमने कहा हम सामान निकाल लें। हाँ जी बताओ ये कैसे सर, पंखे पंखे सर सामान नहीं उतार रहे सारा नुकसान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस समय ऑफिस को खाली किया जा चुका है और दफ्तर जो है फिलहाल सामान जो है लगभग सारा बाहर निकाला जा चुका है। पीछे की तरफ भी कुछ सामान था जिसे बाहर निकाला जा चुका है। आप देख सकते हैं ये भी ऑफिस जो है फिलहाल खाली जो है वो करा लिया गया है और अभी से तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये आर्यपुरम जो कॉलोनी बताई जा रही है, जो कि अभी जानकारी हमें मिली आर्यपुरम कॉलोनी बताई जा रही है, आर्यपुरम कॉलोनी के बिल्कुल पास में ही ये सारा आप देख सकते हैं जो खाली जो यहाँ पर प्लॉट्स पड़े हुए हैं और यहीं पर ही एक प्रॉपर्टी डीलिंग का जो ऑफिस है उसे खाली कराया गया क्योंकि उसे अभी तोड़ा जाना है। और फिलहाल आप देख सकते हैं पीला पंजाबी मौके पर तैयार जो है वो रखा गया है ताकि इसे जैसे ही खाली किया जाए और साथ के साथ इसे तोड़ा जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए सारा सामान जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग के दफ्तर से बाहर निकाला जा चुका है और अब इस सारे सामान को जो है अलग करते हुए अब यहाँ पर आप देख लीजिए यही प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस जो है उसे फिलहाल तोड़ा जाना है। और जो आप देख पा रहे हैं यही ऑफिस जिसमें अभी ये सारा सामान पड़ा था उसे तोड़ने की शुरुआत जो है वो की जा रही है। और आपसे अपील इस वीडियो को शेयर करें लगातार, ये बहुत बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसे आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीले पंजे जो है इस पर चलाया जाएगा और एक बड़ी कार्रवाई आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि जो ऑनर थे वो उन्होंने काफ़ी हाथ पैर जोड़े जो DTP थे उनके, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आपको पहले वार्निंग दी गई थी, अगर आपने पहले इसे सामान को बाहर नहीं निकाला और आपने कंस्ट्रक्शन को रोका भी नहीं तो फिर आखिर क्यों अब आप हाथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये देख लीजिए आप कि अब तो आप देख रहे हैं कि इस दफ्तर को अब तोड़ने की पूरी तैयारी जो है वो करते हुए इसे तोड़ा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं और लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो छतरी मंगवाने, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो देखिए उस तरफ से भी उसे तोड़ा जा रहा है और ये देख लीजिए दोनों तरफ से ही जो पीला पंजा है दोनों तरफ से ही इस दफ्तर को तोड़ने का प्रयास आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, DTP RS बाट जो है वो इसे आप नज़रों के सामने देख पा रहे हैं इसे तोड़वाते हुए, जिन्होंने आदेश दिया RS बाट जो आप देख पा रहे हैं अपने तस्वीरों में, जिनसे हमने सारी कार्रवाई आपने देखी। और अब जो है इस दफ्तर को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देख लीजिए ये आप तस्वीरों में अपने सामने देख पा रहे हैं। लगभग उस तरफ से तोड़ा जा चुका है और इधर से भी आप देख सकते हैं कि इसे तोड़ा जा रहा है। ये देख लीजिए आपके सामने एक बड़ी कार्रवाई जो है हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और फिलहाल जो कि देख सकते हैं दोस्तों आपसे यही अपील करेंगे ऐसे कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप सोच समझ कर लें, जगह सोच समझ कर आप देखें
क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई आपके तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई जो कि करनाल में पहले भी कई बार हो चुकी हैं और आज भी लगातार जो है इस कार्रवाई को करते हुए आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही देख लीजिए तोड़ते हुए, ये देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उसे तोड़ा गया है और अभी आगे लगातार इस बिल्डिंग को तोड़ते हुए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये पिलर जो है इसे तोड़ा गया, ये देख लीजिए। और अब ये नीचे की तरफ ये पूरे की पूरी जो बिल्डिंग है यही आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नीचे जो है गिर गई है। और फिलहाल नुकसान की बात ज़रूर है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे खड़ा किया था, लेकिन आप लोगों से अपील करेंगे, कहीं ना कहीं दुख ज़रूर होता है अगर कोई भी इस तरीके से पैसे खर्च करता है, बिल्डिंग बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप उस जगह पर जगह खरीदें जहाँ पर जगह अप्रूव्ड हो, और ये जानकारी लेने के बाद ही आप उस जगह पर जगह खरीदें। ये देख लीजिए आप, सारा का सारा जो मलबा है वो नीचे की तरफ और आगे कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए और इसे आगे तोड़ा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। एक बड़ी कार्रवाई जो कि आर्यपुरम इलाका बताया जा रहा है, आईटीआई चौक के पास आर्यपुरम, और आप देख सकते हैं कि आगे का पूरा जो हिस्सा है वो गिराया जा चुका है और पीछे से अभी फिलहाल इसे तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं जो लैंटर का जो हिस्सा है वो पूरा टूट कर जो है वो आगे की तरफ गिर चुका है और अभी लगातार इस तरीके से इसे तोड़ते हुए अभी फिलहाल जो आदेश है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो लगभग हो चुकी है। आप देख सकते हैं साजो सामान यहाँ पर सारा बाहर पड़ा हुआ है, और आपसे अपील करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो DTP RK बाट हैं, उन्होंने और अपना थोड़ा लगाम रखें गलत बोलने से, गलत आप किसी अच्छे अधिकारी से बात कर रहे हो। यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी देर पहले जो है कहीं थोड़ा सा माहौल जो था वो भी आपने देखा कि जो RS पार्ट हैं DTP उनके और जो इस ऑफिस के जो मालिक हैं उनके बीच थोड़ा सा हल्का सा विवाद भी हो गया था, लेकिन उस विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि आप काम में बाधा डालने का प्रयास ना करें, सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास ना करें। और उसके बाद जो है फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि दफ्तर को गिराया जा चुका है, पीछे हम आपको दिखा रहे हैं दफ्तर को गिराया जा चुका है आगे से, और अब जो है उन्हें ये कहा गया कि जब तक ये जगह पास नहीं होती है तब तक आप इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें। और आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा कि किसी भी जगह पर जगह खरीदें तो सोच समझ कर खरीदें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।